First Blood. तो चलिए शुरू करते हैं। तो यू गाइस, आज हम लोग आ गए एक और न्यूली फ्रेश वीडियो में डेविड साइड गेमिंग की। तो मैं हूं जीजी अभी और आज हम लोग वर्सेस करने वाले हैं रोमन से, जो कि M1014 गिल्ड का सबसे टॉप बंदा है गाइस। वो वन टैप हेडशॉट भाई बहुत अभी मारता है। तो गाइस मैंने अभी भी सीखी है वन टैप हेडशॉट, ट्रेनिंग में प्रैक्टिस करता हूं, तो ट्राई कर रहा हूं मैं वन टैप हेडशॉट की। ग्लू वॉल देखिए गाइस, ग्लू वॉल देखिए। लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए गाइस। हमारे 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशन टू ऑल गाइस। तो क्या मैं इसको वन टैप मार पाऊंगा? तो भाई ग्लू, ओ भाई क्या हो गया यार, ये ग्लू कैसी आवाज हो गई थी गाइस। तो रश मारते हैं, चलो ठीक है। ओ भाई क्या मजा आ गया गाइस। इसी हेडशॉट के लिए लाइक कर दीजिए गाइस, इसी हेडशॉट के लिए। ये हेडशॉट तो भाई सब्सक्राइब बनता है और लाइक भी बनता है। तो दूसरा राउंड आज का है हमारा यहाँ पे। तो हम लोग ने ली है AN-94 और ग्लू पहले से थी, तो हम लोग वेस्ट और हेलमेट ले लेते हैं। तो गाइस इस राउंड में क्या मैं वन टैप मार पाऊंगा इसको? भाई ये आप जान लीजिए रोमन भी बहुत ओपी बंदा है गाइस, जिसने मुझे 2 राउंड हरा दिए थे। लेकिन अपना DG अभी कुछ ऐसा वैसा थोड़ी ना है गाइस। जल्दी हमारी और वीडियोज आ रही हैं, आज मेंटेनेंस फ्री फायर था इसलिए मैंने आज एडिट करके डाल दी, कोई कुछ काम नहीं था गाइस। यहाँ पे मैं जीता हूँ 1 राउंड और भाई देख रहे हो 176 का हेड और 32 के इतने मार दिए, तो भी नहीं बता गया। गरी ना कुछ करो यार, एक डैमेज का कुछ करो यार, सही में कुछ। 176 का हेड लगने के बाद और 32 का लगने के बाद बंदा उठना नहीं, उठ ही जाता गाइस। देखो उसने ग्लू डाल लिया, अगर वो ग्लू नहीं डालता ना तो वो जीत जाता। मैडी मारने लगा निकला। तो गाइस अब मैं क्या करूँ, मैंने मैडी मारता हूँ, चलो पहले तो मैडी मारनी चाहिए गाइस। कस्टम रूम की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमें कमेंट से बता दीजिए, तो हम लोग कस्टम रूम की टिप्स एंड ट्रिक्स लाएंगे। तो गाइस हम लोग उठाते हैं और ये हेडशॉट, हेडशॉट मारा मैंने, इसके लिए बनता है गाइस। आज वन टैप ही वन टैप पड़े हैं, उसमें इसका टाइटल भी वन टैप है गाइस। तो 2 राउंड में जीता हूँ, आया है शिपयार्ड, तो मैं क्या करूँगा? तो चलिए रश करते हैं। तो गाइस MP5 उठा लिया मैंने यहाँ पे और मैं करता हूँ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे लाइन बहुत ओपी है और आजकल पता नहीं विनोद विनोद का क्या स्पैम हो गया है। तो विनोद लाइक करें, विनोद लाइक करें, विनोद सब्सक्राइब करें, विनोद भी शेयर करें, मैं सब कुछ स्पैम कर दूँ। गाइस यहाँ पे हो चुका है फास्ट फॉरवर्ड और मैं बोल रहा हूँ जल्दी ले 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 ले। तो गाइस यहाँ पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे घंटा बैठा मानूंगा जल्दी ले ले ले। गाइस अपना तो हंसी मजाक चलता रहेगा, जोक सपाट। तो हम लोग शुद्ध होने के बाद इसको धीरम धीरम वन टैप हेडशॉट मारम मारम। तो गाइस क्या मैं MP5 से वन टैप हेडशॉट मार पाऊंगा? लेकिन MP5 वन टैप हेडशॉट के लिए नहीं है, हो सकता है ड्रैग हेडशॉट लग जाए। भैया कहाँ छुपाए, कहाँ छुपाए, मुंडी दिखा मुंडी दिखा। ओ यहाँ छुपे हो रोमन भाई, चलो रश करते हैं। तो चलिए रश करते हैं। तो गाइस क्या मैं इस गेम को भी मार पाऊँगा या फिर इस नूबड़े के हाथों मर जाऊँगा? तो गाइस आपको बता दूँ M1014 का बेस्ट बंदा है यार ये, और ये लीडर था पहले शायद M1014 का, मतलब ये DG अंश प्रो का दोस्त है और लीडर है प्रिंस भैया, जो कि आप जानते हो, और आजकल अंश प्रो खेलते नहीं है। तो गाइस क्या हम लोग इस गेम को बुया मार पाएंगे या फिर हम लोग उसके हाथों मारे जाएंगे? गाइस बच गया मैं, निकल 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 निकल, अरे ऊपर चढ़ गया यार, एक गोली फिर से बजा दी मेरे को भाई, एक मैडी मर जा। नहीं 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 नहीं, अरे यार। तो गाइस यहाँ पे मैंने नॉक्सिस हटा दी, अब नहीं बचेगा भाई। 1 राउंड हरा लिया, अपने आप को ज़्यादा समझने लगा गाइस। तो चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ रिकॉर्डिंग को स्टॉप। तो चलिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। तो गाइस यहाँ पे 10 करोड़ साल बाद मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे आया है केप टाउन। तो गाइस मैंने वीडियो को स्किप कर दिया, तो गाइस जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूँ। तो गाइस क्या हम लोग इस गेम को बुया मार पाएंगे या फिर इस नूब से रोमन के हाथों मर जाएंगे गाइस?
और यहाँ की ग्लू के सामने निकल ही नहीं रहा भाई, डरपोक डरपोक। और मैंने ग्लू ही नहीं ले पाई गाइस, इसीलिए मैं यहाँ पे छुपा था, नहीं तो अभी तक ये बचता क्या। और इसको मालूम पड़ गया शायद मैंने ग्लू नहीं ले पाया, इसने रस मार दिया मुझ पर। मैं तो निकल पड़ा हूँ सीधे येल्लो वाले हाउस की तरफ। येल्लो जैकेट भाई, ये जैकेट मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन गोल्ड की अब कोई दिक्कत नहीं है। ये जैकेट मेरी बहुत फेवरेट है गाइस, हुड है, मतलब जैकेट नहीं है, हुड है येलो कलर की। यार ग्रेंडियन कलर की हुड बहुत ओपी लगती है यार। तो गाइस क्या हम लोग इसको मैच को जीत पाएंगे? तो चलिए शाउट आउट करते हैं डेविल साइड गेमिंग। तो बच गया। क्या मैं वन टैप मारूंगा ऐसे से? ओ भाई टू टैप मार दिया यार, ओपी यार ये बंदा चौंक गया है। ओपी टू टैप मारा मैंने, बस टू टैप शॉट बहुत बढ़िया हो, ओपी होते हैं ओपी। बस फिर से मैं तीन राउंड जीत चुका हूँ, मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। अब ज़्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, अब हम बसंती तो है नहीं गाइस, समझ रहे हो? ओ भाई इतना फास्ट, भाई कौन सा कैरेक्टर लगाई हो यार इतना फास्ट। ये देखो रोमन M1014 ब्लेडर्स लगा था उस पर। बस ये गिल्ड मेरी थी पहले, मतलब मैंने बनवाई थी, लेकिन उनके बेकार बंदों ने मुझे किक कर दिया, तो मैंने बदला लिया गाइस। मैंने अपनी खुद की गिल्ड बनाई और सारे बंदों को अपनी तरफ किया, और उनकी टीम के जितने बंदे थे अब वो पछता रहे हैं मेरी गिल्ड में ना आते। उनसे रोज कहता था भाई आ जाओ, आते ही नहीं कहीं मिलते हैं। गाइस आज मेंटेनेंस चल रहा है, 20 मिनट का मेंटेनेंस रह गया जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ। तो गाइस ये ग्लू के पी यार निकलता ही नहीं है यार ये, तो मैं वहाँ पे एम लगाए बैठा था तब तक ये घास बन के निकल गया। ये जो सब इसका ओ ये सब ये वुकॉन्ग इसका बहुत ओपी कैरेक्टर है भाई, लेकिन ये जो 26 कैरेक्टर मिल गया मैंने सुना कि इसमें वुकॉन्ग है नहीं। तो गाइस क्या मैं वीएम मार पाऊँगा या फिर इस नूबड़े के हाथों मर जाऊँगा? ओहो ओहो 51 का पड़ा। गैस क्या मैं वीएम मार पाऊंगा या फिर इस नूबड़े के हाथों मर जाऊंगा? ओहो रश मारते हैं, चलिए रश मारते हैं। गैस बंदा यहाँ नहीं है, पीछे से आ गया है। ओहो 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 भाई लगा नहीं, वन टैप एम था। ओ भाई साहब मुझे यहीं बैठे रहना था पिछली बार। गाइस अब ये देखना कूद के मुझे मार देगा, देखो मैंने ग्लू डाले उसके पीछे मार दिया भाई। अब इसने यहाँ ग्लू डाली थी, इतने पीछे कैसे हो गया इतनी जल्दी? भाई ये देखो उसके पीछे छुपा है, ये चाहता तो अभी मुझे मार सकता था। दो गोली पड़ी। ओ भाई नाइस। तो गाइस अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। 4-1 का स्कोर हो चुका है गाइस, तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ रिकॉर्डिंग को बंद। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। तो गाइस 10,000 साल तक स्नैपिंग करने के बाद मैं फिर से आ चुका हूँ। यार ये निकलता ही नहीं है, नूबड़ा है यार, किसके भाई खेलता है गाइस। अब मेरा हमें लगता है अब हारने वाले हैं गाइस, मैं बाद में एडिट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है हार तो जाएंगे, लेकिन यार ये इतने इतना जल्दी कैसे मारा यार? इस टाइम मुझे ग्लू डालनी थी यार, अभी हंस रहा है मुझको इंसान। चलो 4-2 का स्कोर हो चुका है गाइस, क्या हम लोग भी अच्छा इमोट दिखाएगा? अब नहीं बचेगा, अब उठाओ ग्लू गाइस। तो चलिए मैं पंखा चलाता हूँ, यहाँ ग्लू उठाता हूँ। चलो गाइस यहाँ पे मैंने उठा लिए ग्लू बॉल, भाई ग्लू बॉल उठा लिए और AR-94 उठा लिए गाइस, अब नहीं बचेगा ये। गाइस यहाँ पे मैंने पंखा चला लिया था, सॉरी बंद कर देता हूँ।
बंद कर दिया मैंने ये पंखा, थोड़ी सी हवा ले रही थी। तो गाइस अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है और इंट्रो आउट्रो अच्छा लग रहा है गाइस प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो गाइस प्लीज़। तो भाई है कहाँ यार, एल शेप में होता अभी तक तो हेवन टैप बजा चुका होता गाइस। अपने डी जे एंड वाले अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैं यहीं पर बैठ गया था, चलो वो वाली ट्रिक अपनाते हैं। तो गाइस आलोक बैठ जाएंगे, यहाँ पे आलोक बैठ गया है, बैठ जा भाई आलोक डीजे आलोक। ये पेड़ के पीछे छुपाएगा, पेड़ के पीछे भाई, निकल निकल पैर से निकल भाई यार, फेयर फाइट होनी चाहिए यार, ये तो कैंपिंग भी करता है क्लस, कस्टम में कौन करता है भाई कैंपिंग, भाई कस्टम में कौन करता है यार कैंपिंग। चलो गाइस मैंने मार दिया है यहाँ पे रश के, हम लोग शॉटगन के सामने इसको मार पाएंगे, एक गोली पड़ी बस उसकी 141 की है। गाइस मैंने भी 14 का मारा फिर से, अब वो गया है मेडी लगाने। गाइस अपने पास भी मेको है गाइस, नूबड़े चल निकल फर्स्ट शॉट में निकल। गाइस हमारा स्कोर हो चुका है 5 और उनका स्कोर हो गया 2, लेते हैं हम लोग MP40। गाइस लेते हैं हम लोग MP40, तो चलिए रश करते हैं। गाइस मैं डरता नहीं हूँ किसी से, मैं करूँगा सीधे रश, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ रोमन गाइस। तो जोक सपाट गाइस, अपुन मारेगा इसको गिरा गिरा के, अपन गिर इसको गिरा गिरा के मारेगा। नहीं यार मम्मी डटेंगे अगर मैं इसको गिरा गिरा के मार दूंगा तो, गाइस मम्मी को मत बुला लाना अपनी। ओहो क्या ये मुझसे हारेगा गाइस, मुंडी दिखा नहीं आईता। ओ भाई अब मैं इसके ऊपर धप्पा कर दूँ क्या गाइस, बहुत देर हो गई यही चलता जा रहा है, अनलिमिटेड एमो है तो क्या हम फायर ही करते रहोगे। चलो धप्पा करते हैं इसके ऊपर, अब हम लोग करेंगे धप्पा इसके ऊपर। ओ गाइस इसने ही धप्पा कर दिया गाइस, तो गाइस धप्पा ये गाइस यहाँ पे हमारा स्कोर हो चुका है 6-0 6-2 भाई, 6-0 से तो हार दूंगा, वो बेस्ट प्लेयर है गाइस M1014 का, पता नहीं क्यों हार गया। अब बहाना देगा पिंग हाई चल रहे थे, तो चलो हम लोग फिर से लेते हैं क्लॉक टावर की तरह AWM से हम लोग उसकी गोभी खोद देंगे। गाइस मैंने एक भी राउंड में हॉर्स लाइन नहीं ली गाइस, ये माननी पड़ेगी आपको बात, मैंने एक भी राउंड में हॉर्स लाइन नहीं ली। चलिए ले ली हमने AWM नाम की गन ले ली है, जो कि बड़ी ही सांस्कृतिक गन है गाइस, बंदे को उठाती नहीं उठाई देती है। फायर लगाना है, ओ भाई लगा नहीं यार, ये चाहता तो मुझे ख़त्म कर सकता था, 100 की हेल्थ कर दी यार इसने XMH से। गाइस क्या हम लोग इस गेम को बुया मार पाएंगे, चलो गाइस ये आगे आ रहा है, निकल एक शॉट पड़ा भाई, एक शॉट पड़ गया और ये डाउन बुया। गाइस मैंने नूब से रोमन को हरा दिया, नू वंश को हरा दिया, बचे हैं प्रिंस भैया, बस प्रिंस भैया के साथ वर्सेस करने के लिए, और सैटरडे को हमारा हो रहा है भाई किंग के साथ वर्सेस, तो उसको देखना ना भूलेगा गाइस, उसको मैं संडे को वीडियो डाल दूंगा। तो गाइस बाय बाय।